कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में साथ चुनाव लड़ सकती है। दोनों के बीच लगभग डील फाइनल हो गई। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल की पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। इससे पहले कांग्रेस की बुधवार को यूपी में सपा के साथ डील फाइनल हुई। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से सीटों का समझौता होने के बाद कांग्रेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियों में गठबंधन पर बातचीत अंतिम दौर में है। आप कांग्रेस में सीटों में सहमति तो बन गई है। केजरीवाल की पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। दिल्ली की साउथ, नॉर्थ वेस्ट, नई दिल्ली और वेस्ट दिल्ली पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार उतार सकती है। वहीं चांदनी चौक, ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ सीट पर कांग्रेस लड़ सकती है। महीनों की लंबी बातचीत के बाद अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे के अंतिम रूप में अपनी बातचीत को जारी रखा है। सूत्रों के हवाले से भी बताया जा रहा है, आप जो दिल्ली में एक सत्तारूढ़ पार्टी है, 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक गठबंधन को पूर्व और उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीटों को अपने पाले में लाने की संभावना भी है, भले ही वो तीसरी सीट पर चुनाव लड़ना चाहे। इन राज्यों में क्या बात बन पाएगी? दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच तो सीटों पर सहमति बन रही है, उधर गुजरात में भी दोनों के बीच गठबंधन हो सकता है। कांग्रेस ने गुजरात में भरूच समेत 2 से 3 सीटों को आपको देने का मन बनाया। वहीं हरियाणा और असम में कांग्रेस का आपको 1 सीट देने का भी प्रस्ताव है। गोवा में आप साउथ गोवा सीट चाहती है, लेकिन वहां से कांग्रेस का सिटिंग एमपी भी है, ऐसे में उसने ये सीट देने से तो मना कर दिया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच पंजाब में बात नहीं बन पाई। दोनों पार्टियां अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाल में ऐलान किया था कि आम आदमी पार्टी राज्य की सभी 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों ने पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की अकड़ पूरी तरह से खत्म कर दी है और थोड़ी बहुत जो रही है वो इस लोकसभा चुनाव में तब खत्म हो जाएगी जब आम आदमी पार्टी सीटें जीतेगी। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से पूरी दुनिया को एक भरोसा दे रहे हैं कि जब जब पृथ्वी के ऊपर अधर्म हावी होगा तब तब भगवान उत्पन्न होंगे और अधर्म से मानव जाति को बचाएंगे। आज हमारे देश के अंदर जो हालात हैं, इतना ज्यादा अधर्म हो गया, इतना ज्यादा अधर्म हो गया है, खुलेआम एमएलएज को खरीदा जा रहा है, खुलेआम सरकारें गिराई जा रही हैं, जितने भ्रष्ट लोग हैं उनको अपनी पार्टी में ये लोग शामिल करके उनको वो सत्ता का सुख भोग रहे हैं। लोगों के लिए स्कूल बनाने वाला मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, लोगों के लिए अस्पताल बनाने वाला सत्येंद्र जैन जेल के अंदर है, चारों तरफ हाहाकार है, लोग बहुत दुखी हैं और इन लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस है कि 370 सीट लेके आएंगे। वो खुलेआम कह रहे हैं हम तो 370 सीट ला रहे हैं, इस देश के 140 करोड़ लोगों की हमें जरूरत नहीं है, तुम अपना घर बैठना, तुम्हें वोट डालनी है डालनी, नहीं डालनी मत डालना, तुम्हारी हमारे जरूरत नहीं है, तुम्हारे वोट की हमें जरूरत नहीं है, लोगों के वोट की हमें जरूरत नहीं है। खुलेआम कहा जा रहा है कि 370 सीटें आ रही हैं हमारी, कैसे? कुछ ना कुछ तो हो गया है, कुछ ना कुछ तो सेटिंग कर लिया, चाहे ईवीएम में करिए, कहां करिए पता नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं अब इस देश के लोगों की, इस जनतंत्र को जरूरत नहीं है। इतना अधर्म हो गया, भगवान श्री कृष्ण ने तय किया है कि वो सीधे तौर पर हस्तक्षेप करें। तो जो ये पूरा चंडीगढ़ चुनाव हुआ, चंडीगढ़ चुनाव के अंदर ये कोई इत्तफाक नहीं था कि उस दिन कैमरे के अंदर इनकी कुकर्म, इनकी कारस्तानियां, गलत कारस्तानियां कैमरे के अंदर कैप्चर हो गई। उस दिन हमने देखा वीडियो के अंदर सारे चिल्ला रहे हैं ये कैमरे हटाओ, कैमरे हटाओ, कैमरे नहीं हट पाए उस दिन, सब कुछ कैप्चर हो गया। क्यों? वहां पे भगवान मौजूद, भगवान ने कैमरे हटने नहीं दिए, इनके सारे कुकर्म कैप्चर हो गए। और कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पूरा फैसला सुनाया गया, ऐसा लगा जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जिह्वा के ऊपर उनके अंदर भगवान मौजूद है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जरिए भगवान बोल रहे हैं। पूरे देश का एक बार विश्वास जागा, जो देश ये समझने लगा था कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, लोगों को लगने लगा कि बीजेपी भी हार सकती है। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हार सकती है तो बीजेपी बड़ा चुनाव भी हार सकती है। तो इस वक्त अधर्म इतना ज्यादा हो गया है, मैं देश के लोगों से यही कहना चाहता हूं कि भगवान ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आ गया हूं, मैं आपके साथ हूं, आप अपना कर्म करो, कर्म करने में पीछे मत हटना, आप अपनी आवाज उठाओ, अन्याय के आवाज उठाओ, खिलाफ आवाज उठाओ, आप
वोट डालने के लिए जाओ। कुछ लोग इसलिए वोट डालने नहीं जाते, यार ईवीएम में गड़बड़ है, मैं वोट डाल के क्या करूंगा, वो सब ठीक हो जाए, करेंगे ठीक, भगवान करेंगे ठीक, लेकिन तुम वोट डालने जरूर जाओ, सब लोग वोट डालने जाओ। और कल के उसके वृत्तांत के बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि अनिल मसीह जो है उसने जो गड़बड़ की उसकी सजा के लिए तो ऑर्डर हो गए हैं, लेकिन वो तो प्यादा था, उसके जो मास्टरमाइंड हैं, उसके जो मालिक हैं, जिन्होंने आदेश दिया ये सारा जनतंत्र का चीर हरण करने का, जनतंत्र की ऐसी तैसी करने का, सजा उनको मिलनी चाहिए और उनके ऊपर देशद्रोह का मामला चलना चाहिए। जो व्यक्ति इस देश के जनतंत्र के खिलाफ के साथ खिलवाड़ करेगा वो देशद्रोह कर रहा है। अगर आपके एक दो क्वेश्चन सर, हमारे पार्षदों को फोन आ रहे हैं, हमारे पार्षदों को सीधे से तो अभी भी फोन आ रहे हैं कि भाई कितने लोगे, कितने क्या करोगे, कैसे करोगे। सर किसान केंद्र सरकार लगातार बातचीत कर रही है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि सीधी सी जो है किसान हमारे अन्नदाता है, किसान सबसे ज्यादा मेहनत करता है, पसीना बहाता है, रात दिन मेहनत करता है, सर्दियों के अंदर, गर्मियों के अंदर, बरसात के अंदर हमारे लिए अन्न उगाता है। उनकी जो भी, वो गरीब है, अमीर तो नहीं है ना किसान, ऐसा तो नहीं कि बड़े बड़े बंगले बना के बैठे हैं किसान, इन लोगों ने तो बड़े बड़े बंगले बना रखे हैं नेताओं ने, किसान की बात क्यों नहीं मानते, किसान की नाजायज किसान की मांग क्या है, किसान कह रहा है मेरी फसल का मेरे को पूरा दाम मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, उसकी बात क्यों नहीं मानते, किसान को ये क्यों करना पड़ रहा है। खैर ये देखना दिलचस्प रहेगा कि पंजाब में गठबंधन के बिना आम आदमी पार्टी कैसा प्रदर्शन करती है। लेकिन लोकसभा से जुड़े सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनसत्ता। शुक्रिया।